मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कामाक्षी मिश्रा और आज के वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। हर वीकेंड आप सबकी भी यही प्रॉब्लम होती होगी कि कहाँ घूमने चलेगी सैटरडे संडे। तो मैं आज आपको लेके चलूँगी महाराष्ट्र के पुणे के पास ऐसे प्लेसेस पे जो कि बहुत लेस एक्सप्लोर्ड है और बहुत लश ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल नेचर है और ट्रेडिशनल फूड मिलेगा लोकल लोगों के साथ। साथ में मैं आपको डूज एंड डोंट्स, रास्ते कैसे हैं, वो सब कुछ बताने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है अंधारबन ट्रैक के लिए। रास्ते बहुत अच्छे हैं, आप मुंबई से आ रहे हो या पुणे से। पुणे रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस मात्र 70 किलोमीटर है और मुंबई से आते हैं तो 130 किलोमीटर्स की यात्रा आपको करनी पड़ती है बेस विलेज तक पहुंचने के लिए। अब हम होते पहला हमारा पड़ाव जो है वो हम यहाँ से जाते हुए रुकेंगे मुल्शी फोटो पॉइंट पे, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और सीनिक है। यहाँ पे लोग फोटो खिंचवाते हैं और जो खूबसूरत नज़ारा है उसका आनंद लेते हैं। आगे हम बढ़ते हैं सुधागढ़ वन्यजीव अभयारण्य से होते हुए हमारा अगला पड़ाव आएगा वैली व्यू पॉइंट। तो काफ़ी लोग यहाँ पर भी रुकते हैं और जो हमारी कुंडलिका वैली है वहाँ पास में आए हुए बादल और खूबसूरत नज़ारा का आनंद लेते हैं। तो इस तरफ से हम आए हैं सुधागढ़ वन्यजीव अभयारण्य के अंदर हम अभी हैं और आने के बाद आपको यहाँ पे गाड़ी लगानी होती है। पिंपरी गांव है ये, बहुत ही खूबसूरत बादल ज़मीन पे आए हुए हैं और यहाँ से फिर अपने ट्रैक के लिए एंट्री है। तो दोस्तों, हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया बेस विलेज पिंपरी या पिंपरी डैम से और हम बहुत एक्साइटेड थे इस ट्रैक के लिए। चारों तरफ ग्रीनरी, ब्यूटीफुल व्यूज, नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये सह्याद्री पर्वत, जैसे इसने हरी दुशाला ओढ़ रखी हो। बादलों की लुकाछिपी कभी हमें विजन दिखाई देता था, कभी नहीं। और बहुत जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं आपका मन प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों में खो जाता है। देखिए, यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने सर्वेलेंस रखा हुआ है एंट्री के पहले। वो आपको बताते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के लिए, की रक्षा के लिए, वन्य जीव की रक्षा के लिए आपको क्या ध्यान रखना है और कुछ यहाँ पे चार्जेस भी लेते हैं। तो आपको पहला तो ट्रैकिंग शूज़ में आना है क्योंकि ये स्लिपरी होता है, तो ग्रिप अच्छी होनी चाहिए आपके शूज़ की और रेनकोट भी ले सकते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पे बारिश आती जाती रहती है। क्योंकि जंगल बहुत घना है और विजिबिलिटी लेवल बहुत चेंज होता रहता है अचानक ही, तो एक गाइड अगर आप गांव से, पिंपरी गांव से ले सकें वो बेहतर है। अकेले जाना यहाँ पे सेफ नहीं रहेगा, आप खो सकते हैं यहाँ पे। और एक बेसिक फर्स्ट एड ज़रूर रख लें आप अपने साथ। आप नॉर्मल ट्रैकिंग करते हैं तो आपको पता होगा, वैसे तो ये मीडियम लेवल का ट्रैक है और बच्चे भी आपके साथ आ सकते हैं डेफिनेटली। साथ ही आप अपना मोबाइल चार्ज रखें, वैसे यहाँ पे रेंज बहुत कम मिलेगी आपको, स्टिल कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मोबाइल चार्ज रखें, अपना वाटर बॉटल रखें और कुछ खाने के लिए रिफ़्रेशमेंट ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि ये ट्रैक का एंड होते तक आपको बीच में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप जो साथ में लेके आए हैं उसी पे आपको सर्वाइव करना है। अब जो फॉरेस्ट ऑफिसर ने हमें बताया कि इस घाट को और जंगल को बहुत क्लीन रखना है, तो आप जो भी प्लास्टिक वेस्ट या फिर वाटर बॉटल लेके आए हैं वो आपको यहाँ पे जंगल में थ्रो नहीं करना है, क्लीन रखना है हमें इसे। आप कोई भी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की एक्टिविटी यहाँ ना करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही खूबसूरत फ्लोरा एंड फौना है यहाँ पे, तो आपको उनके लिए आप उनको फील करें, नेचर को साथ में फील करें। पानी खलखल बहते पानी की आवाज़, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज़, पत्तों के सरसराने की आवाज़, वो आपको एकदम आनंदित कर देगी। तो आप उन सब का मज़ा लें और
कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे इस खूबसूरत नेचर को हानि पहुंचे। सह्याद्री माउंटेन रेंज या धारबन की आपसे बात करें तो यहाँ पे आपको मोर देन 150 वैरायटी की बटरफ्लाईज दिखाई देती हैं जगह जगह पे। ये देखिए, ये गांव वाले ये केकड़ा लेके आए थे, वो जंगल से लिया है और वो सेल करेंगे आगे। अब बर्ड्स, बहुत सारी वैरायटी के बर्ड्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं। मोर देन 164 वैरायटी के माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं यहाँ पे, और मैमल्स भी मिलेंगे जिसमें जाइंट स्क्वायरल है, शिकरा है, लेपर्ड है, बार्किंग डियर, वो सब कुछ यहाँ है। और मोर देन 50 रेयर प्लांट्स, औषधीय पौधे, सब कुछ इस जगह पे मिलता है। बहुत ही अद्भुत जंगल है ये, और आनंद लीजिए इन सब का। अंधारबन, क्योंकि यहाँ होता है अंधेरा और यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, दिन में भी इतने घने जंगल। तो दोस्तों, हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुँच गए हैं। 4 घंटे की यात्रा के बाद झरने पार करते हुए, जंगल पार करते हुए, तो ये इसमें दो तरीके से ट्रैक हो सकता है, पिंपरी डैम से कुंडलिका प्लेटू वापस पिंपरी डैम, या तो आप नीचे जा सकते हैं भीरा डैम की तक और वहाँ फिर आपको आपका व्हीकल लेने आना चाहिए। तो देखिए, कुंडलिका वैली वाला पॉइंट जहाँ से हम निकले थे और हम इस दूसरी साइड आ चुके हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, लगता है हमेशा के लिए यहीं रह जाएं। और अब हमारी वापसी की यात्रा शुरू हुई, तो हमने जल्दी ही स्टार्ट कर लिया ताकि समय पे हम पहुंच पाए। मौसम थोड़ा बारिश वाला शुरू हो गया था और भूख भी लग गई थी, साथ में हम कुछ खाने को लेकर नहीं आए थे, और पानी भी बीच में ख़त्म हो गया था, तो हमने नेचुरल वाटर ही यहाँ से, जो झरनों का पानी है वो बहुत ही साफ था और ट्रांसपेरेंट था, वही हमने पिया। और अब हम लौट चले हैं वापस पिंपरी डैम की तरफ। आगे पिंपरी निवे गांव में ही हमारे खाने की व्यवस्था है, स्वराज होटल में, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। आप मौसम देख सकते हैं और ये है हमारा लोकेशन। यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, एकोमोडेशन कैंपिंग की भी सुविधा है और खाने के लिए भी व्यवस्था इन्होंने की हुई है। तो अंधारबन का सुपर फैंटास्टिक ट्रैक करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सब लोग 2-3 बार फिसल भी गए चलते हुए, और अब हम पहुंच गए हैं स्वराज होटल, यहाँ लोकल गांव में, जो विशाल जी हमें लेके गए थे उनका ही है। यहाँ पे स्टे के लिए भी प्रोविज़न है, खाने के लिए भी है, तो हमारे लिए भी लोकल ऑथेंटिक फूड बन रहा है। और रास्ते से हम लोग लेके आए मोती भाजी तोड़ के, जो बोलते हैं ये लोग कि वेज अंडा मुर्जी जैसा स्वाद आने वाला है उसका, तो वो भी हम टेस्ट करेंगे। और लोकल एकदम यहाँ का ऑर्गेनिक फूड नेचर के साथ जो है वो मिलेगा। तो लोकल बाहर भी और कुछ स्टेज भी हैं, अगर आप आते हैं यहाँ पे नेचर के साथ 1-2 दिन स्पेंड करते हैं तो यहाँ का खाना खाइए, यहाँ का पानी, हवा, एकदम आत्मा प्रसन्न हो जाएगी आपकी। और अभी आपको चलिए दिखाते हैं कि आज हमारी थाली में क्या है। प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता के बीच समय बिताकर दोस्तों हमारा मन बहुत ही आनंदित हो गया है, और हम अब लौट चले हैं अपने पुणे की तरफ फिर से।
तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि ज़रूर विज़िट करें इस प्लेस पे, और यहाँ के लोकल लोगों का पलायन बहुत बढ़ रहा है, तो मुल्शी के लोगों को मदद करने के लिए आप यहाँ पे आएँ, ट्रेडिशनल फूड का आनंद लें, जिससे उन्हें भी रोज़गार मिलेगा और आप भी अपने समय का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं नेचर के साथ। बाकी की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी है, तो वहाँ से आप टूर गाइड और एकोमोडेशन का भी डिटेल्स देख सकते हैं। थैंक यू।